दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जारी भई 5 बरस पूरा। राजधानी के चुड़ी खेल में औपचारिक कार्यक्रम करके मनाओ गई। संविधान दिवस के विरोध में आज जसपा नेपाल के विभिन्न कार्यक्रम। संविधान संशोधन करके सब केहू के अपनत्व करावे मांग। गुआर 5 गति से हवाई जहाज उड़ावे देवे के मंत्री परिषद के निर्णय। पूरा सीट भर यात्री रही। अमेरिका में इतवार से टिकटॉक आ वीचैट के डाउनलोड में प्रतिबंध। डाउनलोड कैल सब नवंबर 12 तक चला सकी। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज से शुरू। उद्घाटन खेल में साबिक विजेता मुंबई आ चेन्नई भिड़े। अब पूरा समाचार। आज संविधान दिवस। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जारी भइल 5 बरस पूरा भइल बा। नेपाली जनता अपना से चुनल प्रतिनिधि मार्फत संविधान प्राप्त करके 70 साल पुराना चाहना के 2072 कुआर 3 गते मूर्त रूप मिलल रहे। सरकार संविधान जारी भइल 5 बरस पुगल अवसर में आज टुड़ी खेल में विविध कार्यक्रम करत मनौले बा। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी अब देश के सामाजिक न्याय सहित के आर्थिक समृद्धि के रास्ता तरफ आगे बढ़ावे पड़े के महान दायित्व जनता के कांध में आयल बतौले बानी। संविधान दिवस के शुभकामना संदेश में राष्ट्रपति देश भीतर आ बाहर रहल सब नेपाली में हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त कैले बानी। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जारी भइल आज 5 बरस पूरा भइल बा। नेपाली जनता अपना से चुनल प्रतिनिधि मार्फत संविधान प्राप्त करके 7 दशक लंबा चाहना 2072 कुआर 3 गते पूरा कैले रहे। संविधान जारी के 5 बरस पुगल अवसर में आज टुड़ी खेल में औपचारिक कार्यक्रम करके मनाओल गई बा। संविधान दिवस 2077 के अवसर में सैनिक मंच टुड़ी खेल में औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भइल बा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जन निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जनता अपने से लिखल संविधान जारी कराव खातिर नेतृत्व करे वाला अग्रसर प्रति उच्च सम्मान व्यक्त कैने। जन निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जनता आफैले लेखेको संविधान जारी गराउने बिन्दुसम्म नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। आन्दोलनको क्रममा बेपत्ता पारिएर बेघरबार भएर शारीरिक मानसिक एवं पारिवारिक रूपमा क्षति बेहोरेर योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासीप्रति हार्दिक आदरभाव व्यक्त गर्दछु। प्रधानमंत्री ओली COVID-19 के कारण देशभर के 61,000 से ज्यादा संक्रमित रहला पर 43,000 से ज्यादा इलाज के बाद ठीक होके घर लौटला के कारण अब ज्यादा चिंता ना लेवे को हुई और सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपनावे के खातिर सबके उसे आग्रह कैनी। सरकार महामारी के चुनौती के रूप में ही ना बल्कि अवसर के रूप में समेत उपयोग करत देश भीतर सरकारी 33 गो और निजी 14 गो करके 47 गो RT-PCR परीक्षण प्रयोगशाला सब संचालन में रहल बतौनी। सरकारी 33 र निजी 14 गरी 47 RT-PCR परीक्षण प्रयोगशालाहरू संचालन में छन्। परीक्षण को दैनिक क्षमता 23,500 भन्दा माथि छ। सुरु को समय में प्रति परीक्षण लागत रु 8,500 थियो। हाल निजी र सरकारी दुवै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरूमा 2,000 रुपियाँमा परीक्षण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओली 14 गो विभिन्न सूचाङ्क सबमे नेपाल उल्लेख्य सुधार कैल लेकिन विश्वव्यापी महामारीको रूपमे रहल COVID-19 के कारण नेपालके अर्थतन्त्रमे नकारात्मक असर परेको बताउने। कोविडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परे पनि समग्र सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलनमा नै छ। राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्व राख्ने सुधार भएका छन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नै छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली जेठ 24 गते संसद से सार्वभौम सत्ता और भौगोलिक अखंडता के सन्दर्भ में हमने की निशान छाप संशोधन मार्फत संविधान से सर्वस्वीकार्यता हासिल कैल दिन के अविस्मरणीय दिन के रूप में स्मरण करे के बताउने। संविधान दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुगावल 594 जने के विभूषण प्रदान कैले बानी। मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार में राष्ट्रपति भंडारी विभूषण देहनी हा। मान पदवी तरफ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा प्रथम 1 जने के, प्रसिद्ध प्रज्वल जनसेवा द्वितीय 4 जने के, सुकृतिमय राष्ट्रदीप तृतीय 7 जने के,
सुप्रबल जनसेवा तृतीय 87 जने के कृतिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ 8 प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थ 242 आ जनसेवा श्री 104 जने करके जम्मा 453 जने के विभूषण भइल बाटेलो। अइसही विभिन्न विभूषण सहित के अलंकार 114 पद 27 जने के मिलल राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहाल जानकारी देने। ये बीच राष्ट्रपति भंडारी संविधान दिवस के अवसर में 299 कैदबंदी के कैद माफी मिन्हा समेत कैले बानी। नेपाल के संविधान के धारा 276 फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 तथा फौजदारी कसूर कैद कट्टा नियमावली 2076 बमोजिम इहे कुआर 4 गति से लागू होखे वाला हिसाब से कैद माफी दिहल गई है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख भइल मुताबिक 50% कैद भुगतान कैल जेल में निमन व्यवहार कैल आ गंभीर प्रकृति के अपराध में ना पड़ल कैदी के जेल मुक्त कैल गेल हुए। ऐसे छूटे वाला कैदी में सबसे बेसी बागमती आ कम कर्णाली प्रदेश के बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संविधान कार्यान्वयन में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सरकार ईमानदार ना भइल आरोप लगौले बा। संविधान कार्यान्वयन में 100% सहयोग कैला पर भी सरकार संविधान के खिलाफ एक के बाद एक विवादास्पद काम कर रहा कांग्रेस के आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 2072 साल कुवार 3 गते जारी भइल संविधान कार्यान्वयन में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार ही चुनौती रहल कांग्रेस नेता लोग के आरोप बाटे। नया संविधान जारी भइला के बाद भी स्थानीय प्रदेश और संघीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल के भूमिका में रहे। संविधान संशोधन कार्यान्वयन में सरकार के 100% सहयोग कइला पर भी नेकपा सरकार एक के बाद दोसर संविधान के खिलाफ के क्रियाकलाप कर रहा आरोप लगौले बा। चाहे पुलिस जगत का कुरा हो चाहे संवैधानिक संस्था का कुरा हो चाहे स्वतंत्र न्यायपालिकालाई पनि लाचार छाया बनाउने जस्ता विभिन्न घटनाक्रमहरू जो देखिएको छ त्यसले लोकतन्त्रको निम्ति स्वस्थ संकेत होइन र यो संविधान कार्यान्वयन र यो संविधानलाई सुदृढीकरणको पक्षमा भन्दा यसलाई चाहिँ नि भताभुङ्ग गर्ने कामतिर चाहिँ नि वर्तमान सरकार लागेको छ। सरकार एक के बाद दोसर संविधान के खिलाफ विधेयक ल्यावल संवैधानिक आयोग ना बनावल प्रदेश और स्थानीय तह के आवश्यक कानून ना बनावला से नेकपा सरकार के नियत पर ही सवाल उठे के कांग्रेस नेता लोग के कहना बा। सत्तामा गई सके संविधान कार्यान्वयन को संदर्भ में नेकपा ईमानदार भएन भन्ने कुरा आरोप का लागि आरोप लगाएको अवस्था होइन। इसका धेरै दृष्टान्त सरकारले विधेयकहरु कसरी सूचना प्रविधि विधेयक कसरी पेश गर्यो मानवाधिकार विधेयक कसरी पेश गर्यो सुरक्षा परिषद विधेयक कसरी पेश गर्यो। सरकार संचालन के विषय में विमति भइला पर भी संविधान के कार्यान्वयन में नेपाली कांग्रेस के भूमिका अपरिहार्य होखी लेकिन कांग्रेस सरकार के खबरदारी करे ना सकल कानूनविद के बुझाई बाटे। जतिसुकै संशोधन गरे पनि नेपाली जनतालाई तपाईले संविधान अनुसारको प्रतिफल सबै आफू मात्रै लिने अनुभवको राजनीतिक मानिसहरूले राजनीतिमा पुगेका मानिसहरूले या नेपाली जनतालाई दिने पद्धतिले आउनु भएन। यही नै सबैभन्दा ठुलो दर्दनाक पक्ष एउटा दुखद पक्ष चाहिँ यही हो भन्ने। कांग्रेस संविधान संशोधन के माग करते आइल मधेशवादी दल सबसे उठावल जायज माग सब पूरा करे परे के बताउले बा। कमला हमाल की रिपोर्ट काठमाडौँ। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संविधान दिवस के विरोध में आज देशभर विरोध कार्यक्रम करे के भइल बाटे। पार्टी के दुनू अध्यक्ष महंत ठाकुर आ उपेन्द्र यादव से निकालल विज्ञप्ति में संविधान संशोधन द्वारा एकरा के सचियावेला देश के प्रमुख स्थान में शांतिपूर्ण विरोध आयोजना करे के जनौल। संविधान में रहल कुछ विषय अपूरा आ अपूर्ण रहला विभेदकारी प्रावधान समेत भइला से सरकार से घोषणा कैल संविधान दिवस में भाग ना लेवे के स्पष्ट कैले बा। पहिलका संविधान सभा में सर्वसम्मत हो चुकल विषय के अनादर आ उपेक्षा करत जनता पर दमना हत्या करके संविधान जारी कैला पर उ संविधान विभेदकारी आ अपूरा रहल जसपा के कहना बा। संविधान मधेशी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम थारू लगायत के मुद्दा संबोधन करे ना सकल जसपा के ठहरबा। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित के संख्या 61,593 पुगल बा। कोरोना भाइरस से थप 7 जने के मृत्यु भइला संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होखे वाला के संख्या 390 पुगल ह। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक सुख के 2 महिला 5 पुरुष करके 7 जने के मृत्यु भइल। काठमांडू में 85 वर्ष के महिला आ 88 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भइल बा। ऐसे ही भक्तपुर में 82 वर्ष के पुरुष आ
ललितपुर में 66 वर्ष की महिला के मृत्यु भइल मंत्रालय जनौले बा। ऐसे ही मोरंग में 66 वर्ष की दूजने पुरुष के मृत्यु भइल बा। वैसे ही नवलपरासी 66 वर्ष की महिला के मृत्यु भइल हुए। आज 2020 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। देश भर संक्रमित के संख्या 17,383 रहल बा त अभी तकले 43,820 जने संक्रमित ठीक होके घर लौटल बा। निजी वायु सेवा संचालक सब कुआर 5 गते से पूर्ण क्षमता में यात्रु राख के जहाज उड़ान करे के बतौले बा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सुखके मंत्री स्तरीय निर्णय करत जहाज भर यात्रु राख के जहाज संचालन करे के मिली कह के निर्णय कैला बाद निजी संचालक सब आवश्यक तैयारी शुरू कैले बा। इससे पहले वायु सेवा संचालक सब सीट क्षमता के 50% ही राख के जहाज चलावे देवे के सरकार के निर्णय प्रति आपत्ति जनावते आयल रहे। उ सब भाड़ा ना बढ़ला से जहाज के खर्च उठावे ना सके के कहत कुआर 1 गते से उड़ान स्थगित कैले रहे। कोरोना वायरस महामारी शुरू भइले संगे सरकार बीतल चैत 11 गते से आंतरिक उड़ान रोकले रहे। अब आर्थिक समाचार। काठमांडू महानगरपालिका के बाजार अनुगमन टोली बाजार में मिलल अखाद्य और म्याद गुजरल खाद्य वस्तु जफत कैले बा। अनुगमन टोली आज काठमांडू महानगरपालिका 29 सामाखुशी आवास क्षेत्र में रहल मारासिनी स्टोर में म्याद गुजरल खाद्य और तेलजन्य वस्तु जफत करके नष्ट कैलक। दोकान से उपभोग्य म्याद हिलल आमा ब्रांड के आधा लीटर के 17 पैकेट तेल, कुशली ब्रांड के 1 लीटर तेल, 30 केजी के मैदा, 2 केजी के चीनी बरामद करके नष्ट कैलक। अनुगमन टोली सुनकोशी ब्रांड के 1 कार्टून तेल, उत्पादन मिति, मूल्य और म्याद नातोकल 40 पैकेट चाउ जफत कैले बा। अनुगमन समिति गंगबू आवास क्षेत्र में संचालित बिग मार्ट के ऑर्गेनिक बोर्ड हटावे के लगौले बाट त 150 रुपया में बिक्री कैल प्याज के भाव घटा के म्याद गुजरल खाद्य वस्तु तत्काल हटाव के समेत सचेत करौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका सरकार इतवार से टिकटॉक का वीचैट के डाउनलोड में प्रतिबंध लगाओ के फैल बा। अमेरिका के वित्तीय विभाग इतवार से चीनिया एप्लीकेशन सब टिकटॉक का वीचैट डाउनलोड करे ना देवे के स्पष्ट कैलक। ट्रंप प्रशासन टिकटॉक आ वीचैट सहित के नया चीनी एप्लीकेशन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा कैल बतौले बा। एप्लीकेशन के प्रयोगकर्ता के जानकारी सब चीन के उपलब्ध करावते कहत एमे ध्यान देवे के कहले बा। दोनों चीनिया कंपनी अमेरिकी आरोप अस्वीकार कैले बा। इतवार से वीचैट अमेरिका में बंद होगी, लेकिन इससे पहले ही टिकटॉक डाउनलोड कैल सब 12 नवंबर तक ले चलाव के मिली। ओकरा बाद टिकटॉक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागी। टिकटॉक के अमेरिका में संचालन स्वामित्व संबंध में अमेरिकी कंपनी ओरिकल आ व्हाइट एंड बीच के सहकार्य की योजना सहमति में पुगल और ट्रंप ओकरा के स्वीकृत करके टिकटॉक ऊपर प्रतिबंध ना लागे के अंतर्राष्ट्रीय जगत अनुमान कैले बा। अब खेलकूद समाचार। तेरहवा संस्करण के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज से शुरू हो रहा बा। यूएई के अबुधाबी में साबिक विजेता मुंबई इंडियंस आ उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बीच के खेल संगे आईपीएल का नया सीजन शुरू होके लागल हा। मुंबई या चेन्नई बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक संजिया 7:45 बजे शुरू होगी। शेख जायद स्टेडियम में होखे वाला खेल में दोनों टीम जीत निकालत सुखद शुरुआत करे के चाहना में बाटे। रोहित शर्मा के कप्तानी में मैदान उतरे वाला मुंबई सुखद शुरुआत करे के चाहत बा त महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में मैदान उतरे वाला चेन्नई विरुद्ध मुंबई के सहज नहीं खे होखे वाला, काहे कि चेन्नई भी सुखद शुरुआत करे के चाहे। दो टीम बीच के पिछलका नतीजा देखला पर मुंबई मजबूत देखल गई बा। पिछला 5 खेल में मुंबई अपराजित रहल बा। बीतल सीजन के फाइनल में समेत मुंबई चेन्नई के हरौले रहे। रोमांचक बनल फाइनल में मुंबई चेन्नई के 1 रन से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जारी भइल 5 वर्ष पूरा, राजधानी के टुरी खेल में औपचारिक कार्यक्रम करके मनाओल गई। संविधान दिवस के विरोध में आज जसपा नेपाल के विभिन्न कार्यक्रम, संविधान संशोधन करके सब केहू के अपनत्व करावेला बात।
बुधवार 5 गते से हवाई जहाज उड़ावे देवे के मंत्री परिषद के निर्णय, पूरा सीट पर यात्री रहे। अमेरिका में इतवार से टिकटक आ वीचैट के डाउनलोड में प्रतिबंध, डाउनलोड करी सब नवंबर 12 तक चला सकी। आ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज से शुरू, उद्घाटन खेल में साबिक विजेता मुंबई आते नहीं भिड़े। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट janatasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।